तो गाइस हम अपना अवार्ड लेके आ चुके हैं जो कि है उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी तीनों के तीनों भाई हम रेडी हो चुके हैं, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं एक अवार्ड फंक्शन में। हम तीनों भाई को, हमारी फैमिली को एक अवार्ड मिलने वाला है जो कि है उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड। तो चलते हैं जल्दी से अवार्ड लेके आते हैं। बाकी पूरी फैमिली भी रेडी हो रही है, सभी के सभी जाएंगे और देखते हैं क्या रहता है, जो भी रहेगा। कैसा लग रहा है अवार्ड मिलने जा रहा है अपने को? स्टेज पे ना पूरी फैमिली जा रही है, इसलिए इनोवा में जाना पड़ेगा। थार से इम्पोर्टेंट सामान निकाल लेता हूँ। एक तो मास्क, केबल और ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ में ओरियो भी जा रहा है, तो इसको ऐसे लगाते हैं यहाँ पे। और ये हो गया, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलो ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपने 1 करोड़ अपने जो है सब्सक्राइबर बनाए हैं, और इसके लिए आज उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड 2021 आपको प्रदान किया गया है। और हम गौरवान्वित हैं कि हमारे उत्तराखंड में और हल्द्वानी शहर में आप जैसे हस्ती मौजूद हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बस तो यहाँ पे था इवेंट, अब चलते हैं। तो गाइस हम अपना अवार्ड लेके आ चुके हैं जो कि है उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड 2021, और आज ही हमारे 10 मिलियन हुए हैं। तो 10 मिलियन के अवसर पर हमको ये अवार्ड मिला है, उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड। इसका पूरा सर्टिफिकेट भी है, पढ़ सकते हो आप इसको, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और ये भी है, मेडल भी है, उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड 2021, इसमें सौरभ जोशी भी लिखा हुआ है। तो अभी हम रुके हैं मोमोज खाने के लिए, पीयू सर पापा जी गए मोमोज लेने के लिए। तो यहाँ के मोमोज बहुत ज़्यादा फेमस है, कुलदीप फास्ट फूड, जब भी आओ तो ट्राई करना। तो मोमोज पैक करा लिए और साथ में चाउमीन भी, अब चलते हैं घर। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। बोलिए देख, तो इस अवार्ड को हम रखेंगे यहाँ, रखे क्या यहाँ रखते हैं, और ये सर्टिफिकेट भी रख देते हैं यहीं पे। तो फिलहाल अभी हम चाउमीन और मोमोज खा लेते हैं। अभी केक बन गया है, हैप्पी बर्थडे। अबे ये क्या बन गया? तो आज चाउमीन का केक बन चुका है, चाउमीन भी और मोमोज भी इतने तीखे हो रहे हैं लिटरली। और जो ये चटनी है भाई, खा नहीं पाएगा। ओ ज्यादा गिर गई। वेलकम वेलकम। और ब्रो बढ़िया 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 बढ़िया। तो अभी घर पे शुभम भाई आए हैं अपनी मम्मी के साथ में, चाय वाय पीते हैं। आप क्यों ला रहे हो चाय? चलो फिलहाल हम चलते हैं फुटबॉल खेलने के लिए पार्क में। मैंने शर्ट चेंज करके टी शर्ट डाल ली है। सुनो पहले रूल समझ लो सारे, सबसे पहला रूल है कि जूते निकालो भाई, सॉक्स भी निकालो। और गोल हम लगा रहे हैं जूतों से, इधर ये गोल है, वहां का गोल तो सीधा दिख रहा है, दो पेड़ हैं बड़े-बड़े, पीयूष मैं और ये तुम दोनों। हां चलो हम दोनों की टीम, चलो तुम तीन हम दो। ये देखो साहिल का स्टाइल, आईफोन 13 प्रो को इसने जूते में डाल दिया। वाह, अगर किसी को लेना है तो यहाँ पे आके जूते में से निकाल के ले जा सकता है। शुभम और मैं और वो तीन है। ओ भाई मेरा टांग टूट गई, टांग टूट गई भाई, टांग टूट गई। मेरे अंगूठे पे लगी यार भाई, मैं अंगूठे से ही क्यों मार रहा हूँ? वो खेला खेल रहा है, तू यहाँ खड़ा रहा भाई, मैं आते खेल नहीं। तू ले, क्या यार पहला गोल हो गया हमारा, क्या हुआ इनको, हुआ क्या इनको? कुछ नहीं हुआ, मिलने आए हैं आपसे। तो रो क्यों रहे हैं? ये रो रहा है, इसको अच्छा लग रहा है। अरे खुशी के मारे रो। हेलो 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 हेलो, कहाँ से आयो आप? हम गुड़गांव से हैं। अच्छा गुड़गांव, बस अब देखो वो सामने खड़े हैं। हाय है ना, चलो 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 गेम कंटिन्यू। अरे आराम ले जाओ, आराम से ले जाना। सुनो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कोई जल्दीबाजी नहीं है,
हो गया फाइनली। तो हमारा भी एक गोल हो गया है, तो अभी तो हम बराबर बराबर पे चल रहे हैं, एक एक पे देखते हैं पांच किसके होते हैं, कौन जीतता है। मेरे को अंगूठा फूट गया, तो मेरे को उसको पास करना है और फिर गोल हो जाएगा, वो है गोल। मेरे पास एक चांस है एक गोल करने का, चलो देखते हैं मुझसे हो पाता या नहीं। अरे करे यार, आउटसाइड नहीं है। तो गाइस हमारी टीम का एक प्लेयर इंजर्ड हो चुका है, साइड के पैर में भी लग गई। तो गाइस इतना मस्त मैच चल रहा है, मतलब हम शुभम को हरवा रहे हैं, तो मजा आ रहा है काफी। हमारे चार हो गए, हाँ शुभम को हरवा रहे हैं, मैं शुभम का याद दगा कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास इतना मस्त चांस है गोल करने का, तो अभी मैच काफी रोमांचक चल रहा है, मतलब हमारे तीन गोल है उनके चार है, तो उनको सिर्फ एक चाहिए हमको दो चाहिए, तो देखते हैं कौन जीतता है। तो मैंने जानबूझ के इनको जीतने दिया, बिकॉज बराबर मान लेगा। मैंने शुभम के हाथ में दगा किया, मैं जानबूझ के हारा हूँ। मेरे दोनों पैर फूट चुके हैं, तो काफी मजा आया, पसीने से भीग चुके हैं। इस तरह से हम शाम के टाइम पे आए पे आ जाते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, अच्छा लगता है, काफी पसीना भी जाता है, थकान भी लगती है, लेकिन अच्छा लगता है, बॉडी का वार्म अप हो जाता है। चलते हैं, फिलहाल अंधेरा होने वाला है। तो गाइस हमने एक चीज नोटिस करी, मेरे पास आईफोन 13 प्रो भी है, 12 प्रो भी है, ये 13 प्रो है, ये 12 प्रो है, मतलब कैमरे में इतना डिफरेंस है, ये देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसमें ये देखो ग्रेन्स दिख रहे हैं, ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं है, और ये डिफरेंस मैं कुछ ही दिनों से फील कर रहा हूँ, उससे पहले इसका कैमरा भी ऐसा ही था। पता नहीं क्या हो गया, ये एप्पल वालों ने क्या कर दिया है, इसमें वो हो रही है कैमरे में झिलमिल, इसमें नहीं हो रही है, साफ आ रहा है बिल्कुल। अब देख लो गाइस, अब बोलेंगे कि हमने कैमरा इम्प्रूव किया 13 प्रो का, लेकिन 12 प्रो का कम हो गया कैमरा, क्योंकि मैंने ये फील किया है एज ए ब्लॉगर, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से आईफोन से ब्लॉग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैमरा कुछ दिनों से मुझे क्वालिटी कम लग रही है, और 13 प्रो साइल का यूज कर रहा हूँ मैं, और क्वालिटी एकदम मस्त लग रही है। तो अब मुझे अपग्रेड करना ही पड़ेगा, मुझे भी 13 प्रो लेना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा इसका बेटर है। तो चलो देखते हैं, मुझे 13 प्रो मिलता है तो ले लूंगा मैं, लेकिन मुझे 1 TB चाहिए था ना, क्योंकि 1000 GB होगा तो आराम से ब्लॉक कर पाएंगे, मुझे स्टोरेज की प्रॉब्लम है ना। लाइक आज हम इवेंट में गए थे, तो मैं वहां वीडियो बना रहा था ना, वहां मैंने फील किया यार ये क्या हो गया, साहिल के कैमरे से तो मस्त वीडियो आ रही है, मेरे वाले से आ ही नहीं रही। बाय द वे विंटर सब फील हो रहे हैं, इसलिए मैंने जैकेट डाल ली, अंदर काफी ठंडा ठंडा सा हो रहा है। तो फिलहाल ओरियो भी आ गया है, लेकिन मुझे इससे एक कंप्लेन है, यहाँ पे मेरे रूम में ना 2-3 चूहे घूम रहे हैं, मतलब रात को भी दिखते हैं, अभी दिख रहे थे मुझे, इसका पानी पी रहे हैं, इसका खाना खा रहे हैं, इसको कोई होश ही नहीं है, है रे कौन भगाएगा उनको, मैं देख रहा पानी इसके लिए रखा हुआ है, पी चूहे रहे हैं। तो अभी जस्ट मैं एडिटिंग कर रहा था, और मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिला, ये देखो पारस भैया पहुंच गए केक लेके 10 मिलियन के लिए, अभी तक हमने केक नहीं कट करा 10 मिलियन का, 10 बजने वाले हैं और 10 बजे ये घर पे आए हैं। लेकिन रियल सरप्राइज केक तो एक अलग चीज हो गई, वो भाई को कल सुबह 8 बजे उठाना है हम लोगों ने कल। तो बेसिकली ये 3 केक हैं 10M, टेस्टी लग रहा है। और बाकी भाभी जी भी आए हैं, एंड ये दोनों बच्चा पार्टी भी आए हैं, एंड अनमोल भी आए। थैंक यू भाई केक के लिए, बहुत टेस्टी केक है। चलो अपना अपना खा लो भाई। तो अभी रात 11 बज गए हैं, और ये पता नहीं क्या खेल रहे हैं, पर्चियां बना के, राजा मंत्री चोर सिपाही। तो अभी इनके सोने का जुगाड़ कर रहे हैं, यहाँ पे शुभम भी आ गया है, शुभम आज 2 बार आया है। अब सो जाना ठीक है, टाइम क्या हो गया, ये देखो 1 बज चुके हैं, गुड नाइट। और यहाँ पे इनकी वेब सीरीज चल रही है, तो अभी सारे सो जाओ भाई, सुबह जल्दी उठना है। चलो मेरे बेड पे कब्जा कर लिया इन्होंने। तो सभी गद्दे वद्दे बिछा के सो चुके हैं बाहर ही नीचे ही, बिकॉज हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा रूम तो है नहीं, गेस्ट रूम तो है नहीं, और ऊपर से दादाजी भी आए हैं, मामा जी भी आए हुए हैं, तो 3 ही रूम है, तो वहीं सोना पड़ेगा। तो वैसे भी घर मिल जाएगा तो फिर बना लेंगे ऊपर गेस्ट रूम वगैरह जो भी रहेगा, अभी तो ऐसे सोना पड़ेगा, ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। रात के 1:15 हो चुके हैं, और अभी तक कोई भी नहीं सोया है, सारे के सारे मस्ती कर रहे थे, चिल मारे थे, बिकॉज पारस भी आ गए, उन्होंने सरप्राइज दे दिया एकदम से, केक लेके आए, तो केक कट करा। अब कह रहे कि कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, पता नहीं क्या करते रहते हैं, मैं तो केक भी नहीं काट रहा था 10 मिलियन पे, आपने देखा होगा, बट केक भी ले आए, मेरे को तो पता भी नहीं था ये आने वाले भाई, एकदम से आए रात को, सरप्राइज मिला, केक भी ले आए, अब कह रहे हैं कल सरप्राइज है, पता नहीं क्या है, तो देखेंगे। फिलहाल मेरे को थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करूंगा, इसलिए मैंने सबको भगा दिया यहाँ से, वेब सीरीज देख रहे थे अभी तक, मैं कहा चलो देखते हैं थोड़ी देर, कभी कभी चिल मारने का भी माहौल होता है, देखते हैं कल क्या होता है, क्या सरप्राइज होता है, वो तो सुबह चलेगा पता। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। आज का दिन काफ़ी मस्त था, हमको उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड भी मिला, सरप्राइज भी मिला, केक भी कट हो गया, और पारस भी आ गया, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि कल चिल करेंगे, एक्साइटमेंट सी हो रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में क्या होता है,
आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, दिखा मुंह, दिखा अपना, दिखाने में गया। ये देखो, ये देखो गाइस, इसका इसके होंठ देखो, पूरे चमकीले होंठ हो गए तेरे। बस ये खाए जा रहे, खाए जा रहे।